एक दिन एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे थे। सबको बहुत भूख लगी थी। तभी एक कबूतर ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, देखो देखो नीचे कितना सारा खाना पड़ा है, चलो खाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा कबूतर भी था जो बहुत समझदार था। उसने कहा, हमें ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है हमें पकड़ने के लिए शिकारी ने जाल बिछाया हो। वैसे भी इतने सारे दाने यहाँ खुद तो नहीं आ सकते। सब कबूतर को उस समय बहुत भूख लगी थी। किसी ने भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और खाना खाने के लिए नीचे आ गए। और जैसे ही वो नीचे बैठे, सारे के सारे जाल में फंस गए। अब तो सारे कबूतर रोने लगे। पेड़ पर बैठा बूढ़ा कबूतर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब मुक्त तो। सारे कबूतर चिल्लाए, हमें प्रवचन बाद में दे लेना, अब बताओ ना हम कैसे बचे। बूढ़े कबूतर ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि देखो, एकता में बहुत ताकत होती है। तुम सब अगर एक साथ पंख फैलाकर उड़ो तो ये जाल भी तुम्हारे साथ उड़ेगा। और पास ही मेरा एक दोस्त चूहा रहता है, जल्दी से वहाँ चलते हुए फटाफट तुम्हारा जाल काट देगा। पेड़ के पीछे बैठा शिकारी उधर बड़ा खुश था। उसके जाल में इतने सारे कबूतर फंसे थे। तभी शिकारी क्या देखता है कि सारे कबूतर उसका जाल लेके उड़े जा रहे हैं और आगे आगे बूढ़ा कबूतर उड़ रहा है। तुरंत ही सारे कबूतर जाल लेके चूहे के पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ा कबूतर चूहे से बोलता है, दोस्त, अरे चूहे भाई, जल्दी से जाल काट दो, मेरे दोस्तों को आजाद कर दो। चूहा फटाफट जाल काट देता है और अब सारे कबूतर आजाद थे। शिकारी भी कबूतरों का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है और अपने कटे हुए जाल को देख के बहुत दुखी होता है। इसलिए कहते हैं कि एकता में बहुत ताकत होती है। हम सबको प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए।